अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता चलूँ कि आप सब लोग जहाँ ठीक ठाक हो गए, खैर ऑफियत से होंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें काइंडली। इसमें जो सब्सक्राइब का बटन है वो रेड कलर में आपको बेल आइकॉन जो अब नज़र आ रहा होगा, उससे ये होगा कि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ तमाम आपको मिलती जाएंगी। उम्मीद है कि कोशिश जो है मेरी ये होती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो मैं दे सकूँ। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक जो है वो नॉलेज पहुँचे। ये वीडियो आज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि इसमें जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगा और सब दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस चीज़ को। सूरह निसा कुरान पाक की जो आयात हैं उनके हवाले से मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। कुछ जो डिसीज्ड है, मरने वाला बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में और इस्लामिक दुनिया में जो है वो किस तरह से तकसीम की जाती है। चार मर्द हैं, अगर कोई औरत फौत हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी में से चार मर्दों का हिस्सा बनता है। एक बाप है, एक खामद है, एक उसका बेटा है, एक दादा है। आठ तरह की औरतें हैं, माँ है, दादी है, बीवी है, बेटी है, पोती है, माँ की तरफ से बहन है सौतेली, बाप की तरफ से सौतेली बहन है, हकीकी बहन है, इनका हिस्सा बनता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी कि जब कोई बंदा फौत होता है तो किस चीज़ को देखा जाता है। सबसे पहले उसके कफन दफन के इंतजाम किए जाएंगे, उसकी वसीयत को देखा जाएगा, उसका कर्ज़ उतारा जाएगा, उसके बाद उसका हक मेहर देखा जाएगा कि उसका हक मेहर अदाशुद है या नहीं। अगर हक मेहर अदाशुद नहीं है तो उसका हक मेहर अदा किया जाएगा। कफन दफन के इंतजाम, वसीयत और कर्ज़ उतारने के बाद हक मेहर के बाद देखा जाएगा कि अगर वो मेल है मरने वाला तो उसकी बीवी का, अगर औलाद होने की सूरत में अगर औलाद है उसकी तो उसकी बीवी का 1/8 हिस्सा बनता है। अगर औलाद नहीं है तो बीवी का 1/4 हिस्सा बनता है, यानी कि चौथा हिस्सा बनता है। और अगर बीवियां तीन हैं या चार हैं तो आठवां हिस्सा या चौथा हिस्सा उनमें बराबर तकसीम होगा। इसी वजह से उनको शरीक शरीक कहा जाता है कि शरीकनियाँ हैं एक दूसरे की। और उसके बाद देखा जाएगा कि उसके माँ बाप जिंदा हैं। अगर माँ जिंदा है तो 1/6 माँ का है, अगर बाप जिंदा है तो 1/6 बाप का अलग है, माँ का अलग है। सूरह निसा की आयत नंबर जो है वो 11, 12 और 176 में इसकी तकसीम के बारे में बताया गया, और जो लोग उस पर अमल नहीं करते हैं उनके बारे में अजाब, सज़ा, जो इस्लामिक इनहेरिटेंस की डिवीज़न है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आयत नंबर 13 और 14 में बताया गया है। अब आ जाते हैं कि जी अगर मरने वाली एक औरत है तो मरने वाली औरत है तो उसकी प्रॉपर्टी में से उसके खावंद का 1/2 यानी कि आधा हिस्सा बनता है अगर उसकी औलाद नहीं है। अगर औलाद है तो चौथा हिस्सा बनता है, यानी कि 1/4। अब देखते हैं कि जो मरने वाला जो है उसकी औलाद, अगर बेटे और बेटियां हैं तो बेटे को डबल हिस्सा मिलेगा बाकी प्रॉपर्टी में से, और बेटी को हाफ हिस्सा मिलेगा। अगर एक ही बेटी है तो निसफ हिस्सा उसको मिल जाएगा, जो है वो उसके माँ बाप या भाइयों की तरफ चला जाएगा। बेटियां दो या दो से ज़्यादा हैं तो 2/3 हिस्सा जो है वो बेटियों को मिलेगा, वाले के भाई की तरफ चला जाएगा, सगे भाई की तरफ या बाप की तरफ चला जाएगा और माँ की तरफ चला जाएगा हिस्सा। हाँ, अगर मरने वाला ताल्लुक़ रखता है अहले तशी से सेक्ट से तो फिर सारा हिस्सा उसकी जो है वो सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी को मिल जाती है। माँ और बाप को 1/6 अलग अलग मिलेगा, लेकिन अगर मरने वाला जो है उसकी शादी नहीं हुई, ना ही उसकी बीवी है ना ही उसकी औलाद है, तो 1/3 हिस्सा माँ को मिल जाएगा, बाकी सारा बाप को मिल जाएगा। आखिर में मैं एक बार फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि 1/2 जो है वो बेटे को मिलता है, 1/4 हिस्सा जो है वो खामद को मिलता है अगर औरत फौत हो तो औलाद होने की सूरत में, 1/8 जो है वो बीवी का हिस्सा होता है, बीवियाँ चार हैं या तीन हैं या दो हैं तो आठवां हिस्सा उनमें बराबर तकसीम हो जाएगा, अगर औलाद नहीं है तो 1/4 मिलेगा बीवी को, 1/6 मिलता है माँ को और बाप को। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है बड़ी नॉलेज जो है वो शेयर मैंने किया, अपनी तरफ आइडिया है इस चीज़ के बारे में। उम्मीद है कि सब लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर सारे दोस्तों तक शेयर करें ताकि सब के लिए ये बात आए। जज़ाकअल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।